हेलो एवरीवन, सीयूईटी करंट अफेयर्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए पहले शुरुआत करें कि पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, पूसा नरेंद्र काला नमक निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? आपके ऑप्शंस थे ए गेहूं, बी जौ, सी चावल या फिर डी चना। तो आप में से बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर दिया जो कि था ऑप्शन सी चावल। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म किसके बीच आयोजित किया गया था? ए भारत और अमेरिका, बी अमेरिका और दक्षिण कोरिया, सी दक्षिण कोरिया और जापान या फिर डी जापान और भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका और दक्षिण कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 3 नवंबर को या फिर 4 नवंबर को। सही आंसर है 3 नवंबर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? कतर में, संयुक्त अरब अमीरात में, ओमान में या फिर ईरान में। सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में या फिर असम में। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेसएक्स के वर्तमान सीईओ कौन है? जेफ बेजोस, सत्या नडेला, एलन मस्क या फिर सुंदर पिचाई। सही आंसर है ऑप्शन सी एलन मस्क। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्फोरस जलडमरू मध्य स्थित है? टर्की में, यूनान में, इटली में या फिर चेक गणतंत्र में। सही आंसर है ऑप्शन ए टर्की। अगला सवाल, भारत का पहला अस्थाई वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर यानी WTG कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए गए थे? रूस में, टर्की में, यूक्रेन में या फिर बुल्गारिया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टर्की।
चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करता है? आपके ऑप्शंस है ए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी कपड़ा मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या फिर डी गृह मंत्रालय। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।